नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करेंगे, किस तरह से हरियाणा के खिलाड़ी छाए हुए हैं। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा लगातार बरकरार है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अगर बात करें तो मेडल पक्का कर लिया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अगर बात करें तो इंग्लैंड को सेमीफाइनल में शिकस्त दी है। फाइनल में पहुंचकर सिल्वर मेडल पर कब्जा कर लिया गया है भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अगर बात करें तो बेहतरीन प्रदर्शन। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा लगातार बरकरार। महिला क्रिकेट टीम ने अब पक्का कर लिया है अपना मेडल। सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को शिकस्त दी है तो बड़ी राहत की बात है। आपको बता दें, लगातार भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बात करें तो वहां भी हमारा एक मेडल और पक्का हो गया है। लगातार टेबल टैली की अगर बात करें तो भारतीय खिलाड़ी जो हैं प्रदर्शन बेहतरीन कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेडलों की संख्या बढ़ रही है। और मेडल की संख्या अगर बढ़ रही है तो टेबल टैली में भी लगातार सुधार हो रहा है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन। शुरुआत में थोड़ा प्रदर्शन गड़बड़ाया जरूर था, लेकिन उसके बाद चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर इंग्लैंड हो, दोनों ही टीम को पटकनी दी है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने। और अब सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को शिकस्त दी है। एक और मेडल पक्का हो गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन। और इस प्रदर्शन की अगर बात करें तो एक और मेडल पक्का कर लिया गया है। तो हर क्षेत्र में, हर खेल की अगर बात करें तो भारतीय खिलाड़ियों ने अपना जलवा बरकरार रखा है। और अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तरफ से यह बेहतरीन प्रदर्शन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तरफ से आपको बता दें कि सेमीफाइनल में इंग्लैंड को मात दी गई है। तो पुरुष खिलाड़ी ही नहीं, महिला खिलाड़ियों की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पीवी सिंधु ने, आपको बता दें, अपना मुकाबला जीत लिया है। स्टार शटलर पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। तो बड़ी खबर, पीवी सिंधु से पूरी उम्मीद थी मेडल की और अच्छा प्रदर्शन करने की। मलेशियाई खिलाड़ी को मात दी है क्वार्टर फाइनल में। टेबल टेनिस की अगर बात करें तो टेबल टेनिस में भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से एक और मेडल पक्का कर लिया गया है। शरत कमल और साथिया की जोड़ी ने फाइनल में जगह बना ली है। तो यहां पर भी एक और मेडल पक्का हो गया है। पीवी सिंधु की अगर बात करें तो उन्होंने जीत दर्ज की है और सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। बेहतरीन प्रदर्शन। और टेबल टेनिस में भी भारतीय जोड़ी का कमाल। तो यहां पर भी आपको बता दें, फाइनल में जगह बना ली गई है टेबल टेनिस। और पीवी सिंधु की तरफ से अगर बात करें तो वो भी बेहतरीन प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। तो ये दो मेडल और लगभग पक्के माने जा रहे हैं। मलेशियाई खिलाड़ी को आपको बता दें कि पीवी सिंधु ने मात दी है। और इसके अलावा टेबल टेनिस में अगर बात करें तो एक और मेडल मिलना तय हो गया है। शरत कमल और साथिया की जोड़ी फाइनल में पहुंच गई है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात करें तो हर दिन बेहतरीन नजर आ रहा है। भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन जारी। आपको बता दें, प्रियंका गोस्वामी ने भी सिल्वर मेडल पर कब्जा कर लिया है। एथलीट प्रियंका गोस्वामी, जिन्होंने कि 10,000 मीटर पैदल चाल में इस मेडल को जीता है, सिल्वर मेडल पर आपको बता दें कि कब्जा किया गया है प्रियंका गोस्वामी की तरफ से। बॉक्सिंग की अगर बात करें तो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से। भारत के दो और मेडल पक्के हो गए हैं। सेमीफाइनल में आपको बता दें कि बॉक्सर नीतू और अमित पंगाल हरियाणा से बेहतरीन प्रदर्शन। तो ये और मेडल हैं कुछ जो कि पक्के हो चुके हैं, यानी एकदम से जो मेडल की टैली है उसमें एक बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। प्रियंका गोस्वामी की अगर बात करें तो उन्होंने सिल्वर मेडल पर कब्जा किया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो भारतीय मुक्केबाज हैं उनकी तरफ से जीत का पंच लगातार लगाया जा रहा है। दो और मेडल पक्के हो गए हैं बॉक्सिंग में। अमित पंगाल की अगर बात करें तो अमित पंगाल ने जीत दर्ज की है और साथ ही नीतू
उन्होंने भी बॉक्सिंग का पंच जो लगाया है वो जीत के लिए लगाया है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हर दिन बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से। लगातार आपको बता दें कि मेडल जो हैं वो भारतीय टेबल टेनिस में इजाफा कर रहे हैं। किस तरह से टेबल टेनिस में प्रदर्शन किया गया, फिर पीवी सिंधु की अगर बात करें तो उनकी तरफ से स्टार शटलर जो कि पीवी सिंधु है उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बात कर लीजिए और अब ये आपको जो अपडेट दे रहे हैं उसमें जो हमारे बॉक्सर हैं उन्होंने जीत का पंच लगाया है और साथ ही प्रियंका गोस्वामी ने सिल्वर मेडल पर कब्जा किया है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से लगातार हमारे खिलाड़ियों की तरफ से मेडल जीते जा रहे हैं। बजरंग पूनिया की अगर बात करें, विनेश फोगाट की बात कर लीजिए, अंशु मलिक की बात कर लीजिए, साक्षी मलिक की बात कर लीजिए, दीपक पुनिया की बात कर लीजिए और सुधीर की बात कर लीजिए, ये उनके घर की तस्वीरें, उनके गांव की तस्वीरें और साथ ही किस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है। रेसलिंग की अगर बात करें, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और दीपक पुनिया, इसके अलावा पैरा पावर लिफ्टिंग में सोनीपत के लाठ गांव के सुधीर ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये हरियाणा के वो खिलाड़ी जिनसे उम्मीद थी और उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है उनके घर पर, उनके गांव में, पूरे प्रदेश में और साथ ही देश में भी एक अलग ही जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। अंशु मलिक की अगर बात करें तो उन्होंने सिल्वर पर कब्जा किया है, तो वहीं मोहित ग्रेवाल ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सीएम मनोहर लाल ने इन तमाम खिलाड़ियों को बधाइयां दी हैं और जैसा कि आपको बता दें कि हरियाणा के 43 खिलाड़ी हैं, इन 43 खिलाड़ियों की अगर बात करें तो इन्होंने अब तक भारत के तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये तो आगाज है, अभी अंत दूर है और जिस तरह से हरियाणा के खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं वो वाकई सुखद है देखना और इनसे उम्मीद की जा रही थी। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, अंशु मलिक, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया और साथ ही सुधीर, ये वो खिलाड़ी जिन्होंने मेडल पर कब्जा किया है। बेहतरीन प्रदर्शन साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, इनके घर पर तो जश्न का माहौल और ज्यादा बढ़ जाता है तब, क्योंकि तब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात की जाए तो हरियाणा का दबदबा देखने को मिल रहा है। यहां के पहलवानों की अगर बात करें तो पदकों पर लगातार कब्जा कर रहे हैं। बजरंग पुनिया की हम बात कर रहे थे, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया ने गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा किया है और जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इन तमाम खिलाड़ियों को ट्वीट कर बधाई दी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह का जश्न का माहौल इनके गांव और इनके घर में देखने को मिल रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में दिखा हरियाणा का जलवा, अब की बार टूटेंगे सभी रिकॉर्ड। सीएम मनोहर लाल की खेल नीति लाई नया रंग। इंग्लैंड में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा का दबदबा कायम है। यहां के पहलवान लगातार पदकों पर अपना कब्जा जमा रहे हैं। बता दें कि रेसलिंग में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और दीपक पूनिया और पैरा पावर लिफ्टिंग में सोनीपत के लाठ गांव के सुधीर ने गोल्ड जीता है। वहीं अंशु मलिक ने सिल्वर और मोहित ग्रेवाल ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया है। इन खिलाड़ियों की सफलता पर सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार हरियाणा के 43 खिलाड़ी अलग अलग खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ी 22 पदक जीत कर आए थे। वहीं इस बार उम्मीद है कि इस बार पिछला रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन से मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बेहद खुश हैं। उन्होंने हर खिलाड़ी की जीत के बाद ट्वीट किया और उनको बधाई दी। सीएम ने ट्वीट किया, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक की जीत के बाद सीएम मनोहर लाल ने उन्हें बधाई दी और लिखा, हरियाणा के पहलवानों ने इंग्लैंड में दिखाया हिंदुस्तान का दम। सीडब्ल्यूजी 2022 में मारे धाकड़ पहलवान बजरंग पूनिया को स्वर्ण पदक और महिला पहलवान अंशु मलिक को रजत पदक जीतने पर अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं। समस्त भारत वर्ष को आप दोनों पर गर्व है। स्वतंत्रता दिवस का 17 अगस्त को और बेटे ने विदेशी धरती पर अपना
झंडा परचम लहरा दिया। काफी खुशी है, इससे बड़ा बयान नहीं कर सकते, इतनी खुशी। इंग्लैंड में चल रही कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में रोहतक की महिला पहलवान साक्षी मलिक ने स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। इसके साथ रोहतक में साक्षी मलिक के परिजनों में खुशी का माहौल है। बहुत ज्यादा खुशी जी, बस पूछो ही मत, इतनी ज्यादा खुशी है। क्या उम्मीद थी? हाँ उम्मीद थी, अब की बार 100% उम्मीद थी, क्योंकि ये जैसे मैं वहाँ खाड़ा में जाता था, इसकी प्रैक्टिस देखता था, तो रात दिन जो ये मेहनत करती थी ना, उससे 100% उम्मीद थी अब की बार ये गोल्ड ले गया और गोल्ड ले गई। बहुत ही अच्छा महसूस कर रही है, जैसे मेरे में एक एनर्जी आ गई कि मैं जाके कुश्ती कर लूँ, इतना मैं महसूस कर रही। स्टार्टिंग में स्टेडियम ले गई यहाँ तक यात्रा साक्षी की बहुत ही अच्छी रही है। थोड़ा सा शादी करने के बाद जैसे यहाँ रही, फिर वहाँ का माहौल था तो थोड़ा वो चेंज हो जाता है। उस माहौल में 2-3 साल वो मतलब कहीं लुप्त कह लो, कुछ कह लो, लेकिन प्रैक्टिस उसने वही रखी। कुछ समय का फेर होता है, तो अब उसने अपनी जो प्रैक्टिस करी है, इतनी मेहनत करी है, तो उसका मेहनत का जो नतीजा आज आप देख ही रहे हैं, उसने कॉमनवेल्थ में गोल्ड लिया। सीएम मनोहर लाल ने साक्षी मलिक की जीत पर भी ट्वीट किया। गर्व का पल, हरियाणा की बेटी महिला पहलवान साक्षी मलिक ने भारत को 8वां स्वर्ण दिलाकर पूरे विश्व में देश के झंडे को ऊंचा किया है। बेटी साक्षी और सभी हरियाणा वासियों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। देश और प्रदेश का नाम रोशन करते हुए सोनीपत के सुधीर ने पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल भी दिलवाया। बहुत खुशी हुई बेटा, देश के लिए और घर कुंबे के लिए। मेरा बेटा मेडल लेकर आया है, भगवान उसने साथ दिया और वो जीत कर आ गया। और इसे इसे भगवान सब ने बेटे दो और सबको वो, और ये खुशी सबके घर में हो। तो किस तरह से खुशी मना रहे हैं? बहुत अच्छी तरह से खुशी मना रहे हैं, वही खाना बना कर रसगुल्ला गिल्ला घेवर गिल्ला, बहुत खुशी हो रही है। 2013 से वही ऑफिस में पावर लिफ्टिंग में है और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। 7-8 साल हो गए हैं मेहनत करते हैं रेगुलर, इसलिए देश को गोल्ड मिला है। कौन कौन से मेडल है? ये 7 बार वही इसमें नेशनल में गोल्ड मेडल है, 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में है सिल्वर, 1 बार इंडोनेशिया में है ब्रॉन्ज मेडल है, और अब इसमें कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल है। हाँ इंटरनेशनल पहला। तो कितनी मेहनत करते थे? मेहनत तो व्यवहार बहुत ही अच्छा व्यवहार है, और अपना दोनों टाइम मेहनत करते थे, 3-4 घंटे मेहनत करते दोनों टाइम, 5-6 घंटे लगातार मेहनत करते थे। मेरा बेटा 2 साल का था जब इंजेक्शन के कारण दिव्यांगत हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और संघर्ष जारी रखा, और आज इस मुकाम पे पहुंच गया कि दूसरे देश में भी तिरंगा झंडा गाड़ दिया है। बड़ी खुशी हो रही है, उसने देश का नाम रोशन किया, गांव का किया, जिले का किया, इससे ज़्यादा और क्या खुशी हो सकती है। एक बेटा पैर से विकलांग होते हुए भी आज गोल्ड मेडल आया है, तो हमें उन पर बहुत ज़्यादा गर्व है। कब से मेहनत कर रहा है? ये जी वैसे तो बचपन से मेहनत कर रहा है, लेकिन इसने 2013 से मतलब लगातार मैंने शुरू की है, लगातार जिम जाता रहा है, 3-4 घंटे सुबह, 3-4 घंटे शाम को। इसने एक भी मौका ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें पार्टिसिपेट ना किया हो, और हर बार सिल्वर हो या ब्रॉन्ज हो, और अब की बार तो बेटे ने कमाल ही कर दिया, गोल्ड झोली में डाल दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के पैरा एथलीट सुधीर को गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, जीवन में चुनौतियां कितनी भी हो, हौसला बुलंद हो, तो हर मुकाम को हासिल किया जा सकता है। CWG 2022 की पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतिस्पर्धा में हरियाणा के बेटे सुधीर ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज करवाया। इस ऐतिहासिक विजय पर अनंत शुभकामनाएं। कॉमनवेल्थ खेलों में कुश्ती के 86 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा के झज्जर जिले के खिलाड़ी दीपक पूनिया ने स्वर्ण पदक हासिल कर देश का नाम रोशन किया। दीपक की जीत ने न सिर्फ उनके गांव बल्कि पूरे देश में जश्न का माहौल है। देखिए सबसे बड़ी खुशी है ये है, पूरे भारतवर्ष में ही है, छारा गांव की मैं नहीं कहता, पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी खुशी है कि ये मेडल आया है, और मेडल की सबसे बड़ी पहचान ये तीनों मेडल हमारे पुराने रोहतक जिले के हैं, जिसको हम सोनीपत जिला इंक्लूड होता है, और रोहतक और झज्जर। तो सबसे बड़ी बात ये प्रेरणा है,
खासकर जो बच्चे राह भटक जाते हैं, नशे की तरफ चले जाते हैं और कोई दूर, भाई अच्छी मेहनत करो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे कुश्ती में हो, चाहे भाई आप किसी चीज में मेहनत करोगे, शिक्षा आपको हर एक चीज मिलेगी। सरकार भी अच्छा दे रही है, अच्छी सुविधाएं दे रही है, कोचिज अच्छे मिल रहे हैं। आज के दिन अच्छा मेहनत करने वाला बच्चा हो तो मुकाम पे पहुंच सकता है। इसी को दीपक को ही ले लीजिए, एक साधारण परिवार से है, बिल्कुल गरीब परिवार से, इनके पिताजी दूध का काम करते थे, दूधिया जिसको हम बोलते हैं ग्रामीण परिवेश में, उसका काम करके आज बेटे को उस ओलंपिक तक पहुंचाया है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है उस मेहनत और कड़ी लगन और उनके कोच साहिबान का, उनके परिवार का, एक शिक्षा मिलती है हमें, सबसे बड़ा हमारे गांव के लिए तो ये प्रेरणा का स्रोत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दीपक पूनिया की जीत पर ट्वीट कर लिखा कि कुश्ती में एक ही दिन में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा के धाकड़ पहलवानों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हमारे पहलवानों का डंका पूरे विश्व में बजता है। पाकिस्तानी पहलवान को पटखनी देकर गोल्ड मेडल जीतने पर बेटे दीपक पूनिया को बधाई। भारतीय पहलवान मोहित ग्रेवाल ने 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, हमारे पहलवान ने सीडब्ल्यूजी 2022 में दिखाया अपना दम। हरियाणा के पहलवान बेटे मोहित ग्रेवाल को कुश्ती में कांस्य पदक जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपको उज्जवल भविष्य के लिए शुभाशीष। खेल के क्षेत्र में हरियाणा का प्रदर्शन बेमिसाल रहा। हर खेल में यहाँ के खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं। इसका श्रेय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की तरफ से खिलाड़ियों के लिए बनाई बेहतरीन खेल नीति को जाता है। सरकार ने खिलाड़ियों को तराशने के लिए स्कूल स्तर से ही उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए कई योजना शुरू की है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे। प्रधानमंत्री मोदी भी हरियाणा के खिलाड़ियों की जमकर तारीफ कर चुके हैं। प्रदेश में विकसित हो रही खेल संस्कृति एवं खेलों के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिगत ही खेलो इंडिया की मेजबानी पहली बार हरियाणा को मिली। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए स्कूल स्तर पर ही खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। खेलों में प्रोत्साहन देने के लिए खेल कैलेंडर तैयार किया जाता है और उसके अनुसार साल भर सब जूनियर, जूनियर और सीनियर स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। एक समय था जब खेल को करियर के लिहाज से अच्छा नहीं माना जाता था। एक कहावत भी प्रचलित थी, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। वर्तमान सरकार ने कहावत को बदलने का काम किया है। खेल और खिलाड़ियों को दिए जा रहे प्रोत्साहन की बदौलत अब खेल मात्र खेल तक ही नहीं सीमित ना होकर उज्जवल भविष्य की गारंटी बन गया है। हरियाणा में सदैव ही खेल प्रतिभाओं की भरमार रही। जरूरत केवल इन प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल सुविधाएं और अवसर प्रदान करने की थी। राज्य सरकार ने इस बात को समझते हुए खिलाड़ियों को अनेक सुविधाएं और प्रोत्साहन देने का काम किया। इससे हरियाणा में एक नई खेल संस्कृति का जन्म हुआ, जिसके लिए सीएम मनोहर लाल को श्रेय दिया जाता है। तो लाजवाब प्रदर्शन, बेहतरीन प्रदर्शन, जितने शब्द यहाँ पर कहे जाएं वो कम हैं इन खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि जो मेहनत है वो मेहनत रंग ला रही है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर तरफ ऐसा प्रदर्शन किया है कि देश ही नहीं पूरी दुनिया में अब हरियाणा का दबदबा देखने को मिल रहा है। वीरेंद्र सिंह आर्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बजरंग पूनिया और दीपक पूनिया के कोच हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे राकेश सिंह जी, महासचिव है हरियाणा कुश्ती संघ के। सर आप लोगों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीरेंद्र सिंह जी, एक गुरु के लिए इससे बड़ा क्या दिन होगा कि उसका जो शिष्य है वो मेडल जीतकर ला रहा है, विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहा है। हमें नमस्ते विजय जी। जी 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 सर, सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और साथ ही बहुत ही शुक्रिया कि आपने इतना बेहतरीन तरीके से इन लोगों को बचपन से निखारा। हमने तो जी आपके माध्यम से सबसे पहले तो आपको बधाई, आप हमारे तक पहुंचे, क्योंकि हम तो बिल्कुल जंगल में देहात में रहते हैं जी, जी। हम शुरू से हमने ऐसा सेंटर बनाया ये सोच के भाई हम, क्योंकि देहात के बच्चों को, क्योंकि यहाँ हर घर में कुश्ती का शौक था इस क्षेत्र में जी, क्योंकि यहाँ ये पहलवानों की भूमि है, तो हमने उसी हिसाब से इनको एक एडवांस जो हम बड़ा होल मैट लेके आए ताकि इनको, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे
कुश्ती मैट पर लड़नी, हम फिल्म पहले मिट्टी में करते थे कुश्ती, तो उससे हमारा बेस गड़बड़ हो जाता था। तो हमने एडवांस से एडवांस तकनीक हम बच्चों के लिए लेके आए, उसका परिणाम आपके सामने है। दो बच्चे और इससे प्रेरणा लेके और भी हरियाणा के बच्चे एक दूसरे से, आप इतनी अकेडमियां खुल चुकी हैं, बहुत अकेडमियां जो खेल के ऊपर पूरा ध्यान देती हैं, तो हमें बड़ा गर्व है बच्चों का, और हमारी आने वाली पीढ़ी भी इन बच्चों से बड़ी सीख ले रही है, ताकि इन बच्चे नशे से, क्योंकि नशे से भी बचने का खेल ही उपाय है, क्योंकि अगर राष्ट्र तभी सुरक्षित रह सकता है जब राष्ट्र के लड़के या लड़कियां मजबूत हों, ताकतवर हों और अनुशासन में रहते हों, क्योंकि खेल हमें अनुशासन भी सिखाता है, आपस में भाईचारा भी सिखाता है, तो बहुत चीजें हैं। तो सरकार ने इन चीजों पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये तो खेल तो एक राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है और आपस में भाईचारे के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। जी जी, राकेश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महासचिव हैं हरियाणा कुश्ती संघ के। राकेश जी स्वागत है आपका। प्रदर्शन बेहतरीन किया जा रहा है, हमारे माटी के लाल जो हैं वो हरियाणा का जो नाम है उसे विश्व स्तर पर और ऊंचा कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? नमस्कार विजय जी। नमस्कार सर, नमस्कार सभी श्रोताओं को और जितने भी हमारे हरियाणा के लड़के लड़कियां आज हिंदुस्तान के लिए मेडल लेके आए हैं, उनके सबके माता पिता को मैं सलूट करता हूँ जी, और इन खिलाड़ियों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का परचम लहराया और हमारी जो मोदी सरकार है उन्होंने खिलाड़ियों के लिए बहुत 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 आगे बढ़ के काम किया, जो आज ये रिजल्ट है हमारे सामने जी जी। और हमारी हरियाणा सरकार भी किसी से कम नहीं है, जो हरियाणा को इतने ऊपर तक कुश्ती में लेके गए हैं जी। हरे अखाड़े में मैट क्या, डाइट क्या जी, बहुत कोचिज की व्यवस्था, बहुत मतलब खट्टर साहब ने जी, ओपी धनखड़ ने, हमारे स्पोर्ट्स मंत्री ने जी, बहुत बहुत अच्छा खिलाड़ियों के लिए काम किया है जी। बिल्कुल वीरेंद्र सिंह जी, एक बात और है कि जब हम बड़ी मेहनत करते हैं और खुद खिलाड़ियों की तरफ से भी मेहनत होती है और ये खुद कोच की तरफ से भी मेहनत होती है, और साथ ही ऐसा नहीं है कि सरकार की अगर बात करें तो सरकार ने भी पूरा सहयोग किया है, खेल नीति की हर जगह तारीफ होती है हरियाणा की, अभी आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी तो ये आगाज है और अभी तो बहुत दिन बाकी है, हम माने कि अभी तो मेडलों की बरसात होने वाली है अभी आने दिनों में। हेलो वीरेंद्र जी, सुन रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि मेहनत सब तरफ से होती है सर, और मेहनत आपने भी बहुत की है, इन लोगों ने भी बहुत की है जो कि यहाँ पर मेडल ला रहे हैं, और साथ ही यहाँ तारीफ करनी होगी खेल नीति की, क्योंकि हरियाणा सरकार की खेल नीति की तारीफ ना सिर्फ हरियाणा को लेकर है, हरियाणा की अलग ही पहचान है पूरे देश में खेल नीति को लेकर। बिल्कुल जी, बहुत, क्योंकि पहले तो कुछ भी नहीं होता था, अब बहुत थोड़ा थोड़ा जब बढ़ना शुरू होता है, जब पता चलता है भाई देखो हर जब ये खेल से कितना लाभ होता है, जो बच्चे थोड़ा आकुद्धि में कम होते हैं वे भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, व्यवहार कुशल हो जाते हैं, कितना मतलब खेल से कितना देखो इसमें परिवार का पूरा ताकत लगती है, कोच की पूरी ताकत लगती है, और फिर गांव गोआंड उसका बड़ा मान सम्मान करता है, क्योंकि बड़ा खेल में वो ही आगे बढ़ता है, बिल्कुल पूरा अनुशासन में रहता है, लगातार मेहनत करता है जी, तो जी। ये बड़ा उत्साह का विषय है। ठीक है सर, ये ठीक है सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका। साक्षी मलिक के हमारे साथ पिताजी जुड़ गए हैं, सुखवीर जी। सुखवीर जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी बेटी ने एक बार फिर हरियाणा का नाम जो रोशन किया है और जो ये मेडल दिलाया है इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या संदेश है उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए, उन बेटियों के लिए? देखिए सर, जैसे मतलब शुरू में जो अपनी विद्या गांधी जी मैडल के लिए, मैं के लिए उस टाइम में बहुत लड़कियां कम प्रैक्टिस करती थी जी, अब तो मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लड़कियां कर रही हैं जी, साक्षी ने भी बहुत ज्यादा मेहनत करके मुकाम तक पहुंची है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, और मैं बस यही कहना चाहूंगा सर कि आपने वाकई में ये सिद्ध किया है कि हमारी बेटियां जो हैं बेटों से कम नहीं है, और जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है बेटियों की तरफ से हरियाणा में, खासतौर पर मैं बात कर रहा हूं, वो एक अलग ही संदेश देते हैं। देखो सर, लड़की लड़कियों से ज्यादा होगी जी जी, मेहनत है जो लड़कियां करती है ना जी, वो लड़के कम करते हैं, लड़कियां ज्यादा, मैं लड़कियां बहुत अच्छी हैं,
लड़कियों के लिए लड़कियां का ज्यादा मेडल है, इसलिए लड़की बहुत ही ठीक है जी। जी सुखवीर जी, एक चीज और मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे और बेटियों के परिवारों को, और साथ ही हरियाणा सरकार की खेल नीति एक उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है कि किस तरह से हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो उसको लेकर सर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए पहले की अपेक्षा हरियाणा सरकार बहुत ज्यादा प्रोत्साहन कर रही है, बहुत ज्यादा जो भी मतलब इनका कैंप लगता है, खाने की सुविधा और भी कोई भी सुविधा है, हरियाणा सरकार भी इसमें बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। और जी जैसे साक्षी ने मेडल जीता था शुरू में कॉमनवेल्थ का, उसके बाद मतलब लड़कियों में बहुत ज्यादा प्रोत्साहन है, तो मैं तो यही चाहूंगा जितनी लड़की आगे बढ़े उतना ही कम है देश के लिए, लड़कियां सबसे ज्यादा आगे बढ़े, लड़कों से ज्यादा आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया सुखवीर जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमें समय दिया, और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी, जब साक्षी लौट कर आएंगी तो उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए, राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत शुक्रिया, वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े, और साथ ही साक्षी मलिक के हमारे साथ पिता जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन वाकई में हरियाणा के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, लगातार बरकरार है, टेबल टैली में लगातार आगे बढ़ा है टीम इंडिया की अगर बात की जाए, और एक प्रदर्शन ऐसा प्रदर्शन जिसकी उम्मीद की जा रही थी वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।